विश्वव्यापी महामारी नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में स्कूल कॉलेज बंद हैं। स्कूल कॉलेज कब खुलेगा यह कहा नहीं जा सकता है। छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन क्लास लिए जाने का शासकीय व निजी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किया है। पूर्व की रमन सरकार ने संचार क्रांति योजना के माध्यम से पूरे प्रदेश में मोबाइल वितरण किया था, जिसका सही उपयोग आज भूपेश सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। उक्त बातें भाजयुमो मंडल अध्यक्ष कामेश बंजारा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया और आगे कहा कि संचार क्रांति योजना के तहत पूर्व भाजपा की रमन सरकार द्वारा कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ ही गरीब वर्ग के लोगों को मोबाइल का वितरण किया गया था। आज वह मोबाइल छात्रों के बड़े काम आ रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते स्कूल कॉलेज बंद है, ऐसे में भूपेश सरकार द्वारा छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा शुरू की गई। रमन मोबाइल से छात्र भूपेश सरकार के कार्यकाल में दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग की ऑनलाइन पोर्टल से ही अब उच्च शिक्षा विभाग की पढ़ाई हो रही है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार द्वारा cgschool.in पोर्टल के माध्यम से पढ़ाई तुहर द्वार योजना प्रारंभ किया गया है। इसी पोर्टल पर महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए भी ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधाएं शुरू की गई है। अब इस पोर्टल में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम अनुसार सामग्री के रूप में PDF, ऑडियो तथा वीडियो लेशन उपलब्ध हो रहा है। कामेश बंजारे ने आगे बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य शासन द्वारा समय समय में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण स्कूल एवं महाविद्यालय विगत कई दिवसों से बंद थी तथा सभी स्तर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। हाल ही में ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा लेने का निर्णय किया गया तथा वर्तमान लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात लंबित परीक्षाओं का आयोजन एवं आगामी शिक्षा सत्र का भी समय पर संचालन कठिन चुनौती है। उसको देखते हुए आगामी शिक्षा सत्र में क्लासरूम शिक्षण के साथ साथ ऑनलाइन महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को भी अध्ययन अध्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व रमन सरकार की संचार क्रांति योजना के तहत मुफ्त में बांटे हुए मोबाइल टैब लैपटॉप काम आ रहे हैं। भाजपा की रमन सरकार अपने कार्यकाल में 60% मोबाइल वितरण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कर चुकी थी तथा विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आचार संहिता लगने पर यह योजना स्थगित हो गया था। चुनाव पश्चात वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने पर बचे 40% मोबाइल टैब लैपटॉप उनके द्वारा यह संचार क्रांति योजना को समाप्त कर दिया गया। अगर यह योजना आज ग्रामीण शहरों या महाविद्यालयों में लागू होती तो निश्चित ही इस कोरोना महामारी के समय में यह मोबाइल टैब तथा लैपटॉप बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए रामबाण साबित होते। अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए महंगे मोबाइल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की योजना संचार क्रांति का फायदा वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तुहर द्वार योजना माध्यम से ऑनलाइन के पढ़ाई में उठाया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 News। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।